हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, अपना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ब्रिक मेसनरी चल रहा था और हम पार्ट वन कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। पार्ट वन में हमने 36 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें आपको प्रीवियस AGNGN के क्वेश्चन, इसके अलावा ESC के क्वेश्चन और इसके अलावा जितने भी अपनी क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर है ना? तो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। 36 तक अपना हो चुका है, 37 नंबर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 37 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो आपसे पूछ रहा है विच टूल इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक एक्यूरेटली। तो याद रखना कि जो ब्रिक्स होती हैं, लाइक मेरे पास ये ब्रिक्स है, तो इस ब्रिक्स को एक्यूरेटली काटने के लिए, ठीक है ना, आपके पास जो टूल यूज किया जाता है दैट इज बोल्स्टर। दैट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर जो होता है आपके पास, दो तरीके से यूज लिया जाता है। एक सीजल फॉर्म में, ठीक है, सीजल अपनी टांकी जो होती है, दैट मीन्स इस तरीके का आपके पास क्या होता है, इस तरीके का क्या होता है आपके पास, एक टूल होता है, एक सीजल होती है, ठीक है ना। इस सीजल में आपका ये वाला जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा नुकीला होता है और ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ये इस तरीके से इसका बना हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने से ये जो नुकीला पार्ट है उस ब्रिक को काट देता है, उसको एक्यूरेटली तोड़ देता है, कटिंग कर देता है उसकी, ठीक है ना। तो एक जो सीजर फॉर्म में मिलता है या एक आपके पास मशीन टूल मिलता है, लाइक एक अरेंजमेंट टाइप से होता है, ठीक है ना। इसमें तो क्या करते हैं अपन, हैमर की हेल्प से करते हैं। उसमें अपने पास एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें कि एक आपकी बोस्टर सीजर लगी रहती है और उससे आपकी क्या होती है, ब्रिक की एक्यूरेटली या स्पीडली कटिंग कर सकते हैं अपन। वो बड़े पर्पज के लिए यूज लिया जाता है। तो याद रखना कि आपका जो टूल यूज लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर, ठीक है ना। ट्रॉवल जो होता है आपका मोर्टार के लिए यूज लिया जाता है। ब्रिक हैमर जो होता है ऑब्वियस सी बात है उसको तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और रैमर आपका कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेनफोर्स ब्रिक मेजनरी इज इतना mm थिक। तो यहाँ पे एक तरीके से आपसे जो रेनफोर्स ब्रिक मेजनरी है उसकी थिकनेस पूछ रही है। देखो, अगर ब्रिकनेस एक अपने पास स्पेशल टाइप की होती है जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, ब्रिक मेजनरी में, तो वहाँ पे अपन एडिशनल स्ट्रेंथ किससे प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से रेनफोर्समेंट की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिक मेजनरी होती है जिसमें कि अपन रेनफोर्स लगाते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं रेनफोर्स ब्रिक मेजनरी, ये होनी चाहिए आपके पास 100 mm की, ठीक है ना। ये आपके पास 100 mm की होनी चाहिए मिनिमम। क्लियर है ना? याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखें आप। व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 cm मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप ब्रिक की, या आप बोले कि ब्रिक वॉल की थिकनेस देखें, तो आपकी थिकनेस जो होती है इस तरीके से होती है, लाइक आप 1 ब्रिक यूज ले रहे हो, दैट मीन्स 90 cm इस ब्रिक का, 90 cm इस ब्रिक का, और 1 cm का आपका मोर्टार जॉइंट। तो 1 ब्रिक की जो वॉल होगी उसकी थिकनेस होगी आपके पास 20 cm, ठीक है। अगर आप 2 ब्रिक यूज ले रहे हो, या आप बोल रहे हो 2 ब्रिक वॉल है आपके पास, दैट मीन्स 19 इस वाली की और 1 cm इसका मोर्टार जॉइंट, मतलब अगर 2 ब्रिक वॉल है तो उसकी थिकनेस होगी आपके पास 40 cm, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो हाफ ब्रिक वॉल है, दैट मीन्स जो ब्रिक है मेरे पास उसकी विड्थ वाली साइड यूज कर रहे हैं अपन, ब्रिक को इस तरीके से लगा रहे हैं अपन, ब्रिक को इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो 1 cm मोर्टार का जॉइंट और 9 cm उसकी विड्थ, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, थिकनेस, दैट इज थिकनेस इज 10 cm। क्लियर है ना? आपके पास थिकनेस क्या हो जाएगी, 10 cm हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 39 में नन ऑफ दीज। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हाफ ब्रिक वॉल होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, जो हाफ ब्रिक वॉल होती है वो आपके किस बॉन्ड में पॉसिबल होती है। तो आप इस तरीके से ब्रिक्स को एक ही टाइप के बॉन्ड में लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर बॉन्ड। अपने आगे आएंगे, बॉन्ड के बारे में अपन काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोला हुआ है द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स इधर इन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन अ टर्म एज। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लाइक आपके पास इस तरीके से क्या होती हैं, फोर्सेज होती हैं ब्रिक की, ठीक है ना। आपके पास एक ब्रिक ये रही, दूसरी ब्रिक ये रही, तीसरी ये रही, और फोर्थ और बना लीजिए आपकी ब्रिक ये रही। नीचे एक और कोर्स लगी होगी आपके पास इस तरीके से, आपके पास जो ब्रिक होंगी इस तरीके से बनी हुई होंगी। एक बार मैं हल्का सा फिगर बना देता हूँ इसका। एक ब्रिक ये रही आपके पास, दूसरी ब्रिक ये रही, और तीसरी ब्रिक ये रही। इसके नीचे आपकी एक और कोर्स होगी,
और आपके पास ब्रिक कुछ इस तरीके से लगी हुई होंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास क्या होती है, ब्रिक की मेजनरी होती है, क्लियर है। अब देखिए समझते जाएं यहाँ पे मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको जॉइंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको इसी फिगर में मैं सारे जॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपके दो तीन क्वेश्चन और आएंगे ऐसे। देखो ये जो होती है एक लाइन जो होती है इसे अपन बोलते हैं कोर्स, और ये जो कोर्स का बेड होता है यहाँ पे जो आपके जॉइंट बने होते हैं मोर्टार के, दैट इज कॉल्ड अ बेड जॉइंट, दैट इज कॉल्ड बेड जॉइंट, ठीक है ना। दो कंटिन्यूअस ब्रिक के बीच का जो बॉन्ड होता है, लाइक ये वाला जो बॉन्ड है मोर्टार का, इसे बोलते हैं अपन हेड जॉइंट, या इसे दूसरे नाम दिया जाता है आपका वर्टिकल जॉइंट। इसका दूसरा नाम दिया जाता है आपका वर्टिकल जॉइंट। वर्टिकल जॉइंट थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है जनरली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कोर्स का वर्टिकल जॉइंट और इस कोर्स का वर्टिकल जॉइंट लूँ, ठीक है, और इनको मिलाऊं, तो आपके पास क्या बनेगी, एक तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास नीचे भी कोर्स लगी हुई होंगी, उन नीचे के कोर्स में जो वर्टिकल जॉइंट है उनको भी मैं इस लाइन से मिला सकता हूँ। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि आपकी अल्टरनेट कोर्सेज के वर्टिकल जॉइंट को क्या करती है, मिलाती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है परपेंड्स, इस लाइन को बोला जाता है आपका परपेंड, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखना इस चीज को, ये दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि आपके पास अल्टरनेट कोर्स के वर्टिकल जॉइंट्स को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड परपेंड्स, और यही आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछा था वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स इधर इन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन, तो आपके पास वर्टिकल जॉइंट पूछा है और वर्टिकल जॉइंट के बारे में पूछा है इसने, इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंड्स हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन को अगर आप देखें तो क्रॉस जॉइंट बोला है यहाँ पे, क्रॉस जॉइंट कब बनता है, जब आपकी दो वॉल क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, दो वॉल क्या होती है आपकी, इंटरसेक्ट होती है, और उनके बीच में एंगल आपका 90 डिग्री रहे तो, ठीक है ना, आपके पास क्रॉस जॉइंट बनेगा। बेड जॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, जो आपके पास कोर्स होती है उसके बेड वाला जो जॉइंट होता है वो बेड जॉइंट होता है, और बैकिंग आप लोग समझते ही होंगे। अगर मेरे पास ये वॉल है, इधर से मैं देख रहा हूँ या इधर इसका मेन साइड है, तो ये सामने वाली फेसिंग होती है, बैक वाली बेसिंग होती है, और बीच वाली हर्टिंग होती है, क्लियर है ना। चारों चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट करने के काबिल होगे या कर पाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सेम तरीके का क्वेश्चन है। अ वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्स इज टर्म्ड एज, तो यहाँ पे बोला इसने द वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल, तो जो आपके पास वॉल है उसके फेस पे जो वर्टिकल जॉइंट है, डायरेक्टली ओवर द वर्टिकल जॉइंट इन एन अल्टरनेट कोर्स, तो आपके पास जो अल्टरनेट कोर्स है उसके ऊपर वाला वर्टिकल जॉइंट, मतलब आपका एक कोर्स उसके बाद अल्टरनेट कोर्स, इसका भी वर्टिकल जॉइंट, इसका भी वर्टिकल जॉइंट, तो ये कंबाइंडली आपका क्या बोला जाएगा, या इन कम जो आपके पास सारे वर्टिकल जॉइंट है इनको कंबाइंडली क्या बोला जाएगा, तो मैंने आपको बताया था इसे कंबाइंडली बोला जाता है आपका परपेंड्स, ठीक है, क्लियर है। या तो आप इसको ऐसा बोल दो कि इन सभी वर्टिकल जॉइंट को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन उसको परपेंड्स बोलते हैं, या आप दूसरी टर्म में बोल सकते हो, तो ऐसा बोल दो कि भाई जितने भी वर्टिकल जॉइंट है अल्टरनेट कोर्सेज के वो कंबाइंडली क्या कहे जाते हैं, तो उन्हें परपेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखें आपका, क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है आपसे विच टाइप ऑफ जंक्शन इज नॉट यूज इन ब्रिक मेजनरी, तो आपकी जो ब्रिक मेजनरी होती है उसमें किस टाइप के जंक्शन को अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जंक्शन मतलब कि दो ब्रिक मेजनरी आपके आपस में आके मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जंक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इनको लिख भी लेना आप चाहो तो। सबसे पहला टाइप का जंक्शन होता है आपके पास टी जंक्शन, सबसे पहला टाइप का जंक्शन होता है आपके पास टी जंक्शन। जैसे कि ये मेरे पास कोई मेजनरी वॉल है, ये मेरे पास क्या है, कोई मेजनरी वॉल है, इससे मुझे इस तरीके की कोई दूसरी बीच में मेजनरी वॉल निकालनी पड़ी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके का जंक्शन है, ये टी टाइप का जंक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, टी जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है मेरे पास क्रॉस जंक्शन, सेकेंड होता है मेरे पास क्रॉस जंक्शन। क्रॉस जंक्शन में क्या होता है, आपके पास दो वॉल आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक वॉल आपकी ये रही और एक वॉल आपकी इस तरीके से रही, ठीक है ना, एक इस डायरेक्शन में वॉल जा रही थी और एक दूसरी वॉल थी जिसने क्या कर दिया, इसको इंटरसेक्ट कर दिया। और क्रॉस जंक्शन में एक ध्यान रखना है आपको कि क्रॉस जंक्शन जो होगा उसमें हमेशा दोनों वॉल्स के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। क्रॉस जंक्शन को अपन कई बार इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, इसको कई बार इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। दूसरी बात, अगर दो दीवार आपकी 90 डिग्री पे या पे नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना, इसके अलावा किसी और आपके पास एंगल पे मिल रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा स्क्वेंट जंक्शन, ठीक है ना, उसे बोला जाएगा स्क्वेंट जंक्शन, ठीक है। तो थर्ड होता है आपके पास कौन सा, स्क्वेंट जंक्शन, याद रखना इन तीनों को, और भी क्वेश्चन इस पे पूछ रहे हैं। अगर आपके पास दो वॉल हैं
वो 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे मिल रही है, लाइक इस तरीके से मिल रही है वो आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल है आपके पास वो 90 डिग्री नहीं है, उससे काफी कम है, तो ये बोला जाएगा आपका स्क्वेयर जॉइंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन में आपको टी जंक्शन दे रखा है, सही है, इंटरसेक्शन दे रखा है मतलब क्रॉस जंक्शन दे रखा है, सही है, स्क्वेयर जंक्शन दे रखा है, सही है। आपके पास आई जंक्शन टाइप का कोई भी कनेक्शन या कोई भी जंक्शन ब्रिक मेसनरी में नहीं होता, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्वीन क्लोजर रिकमेंडेड फॉर ब्रिक मेसनरी लेंथ। ठीक है ना, तो देखो आपका सबसे पहली बात तो ये आपकी ब्रिक है, इसको जो लेंथ है इसकी ये 20 है, या आप मान लीजिए इसकी 90 मान लीजिए। ठीक है ना, ये इसकी जो विड्थ है वो 9 है आपकी। क्लियर है ना, अब देखें इसको अगर मैं लेंथ वाइज काट देता हूँ, लाइक इस तरीके से मैंने काट दिया। ठीक है ना, तो एक पार्ट मेरे पास क्या हो गया, क्वीन क्लोजर हो गया, एक पार्ट क्या हो गया मेरे पास, क्वीन क्लोजर हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो तो 90 नहीं रहेगी, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो क्या हो गई आपके पास, 9/2, दैट मीन्स कितनी हो गई, 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोर्टार जॉइंट को और ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर ना, या आप ऐसे मान लो आपके पास जो ब्रिक थी मोर्टार को लगा के 20 10 10 थी, यहाँ से विड्थ को मैंने आधा किया तो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, कैसे मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास जो क्लीन क्लोजर है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेंथ अगर पूछी जाती तो कितनी रहती है आपके पास, 90 या बोल सकते हो 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 44 देखें। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे बोल रहा है द फुल लेंथ ऑफ ब्रिक वॉल कैन नॉट बी बिल्ट एट अ टाइम। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग बैक ईच सक्सेसिव कोर्स ऑफ दिस वॉल इज नोन एज। तो यहाँ पे ये मुझे इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि भैया जो मेरे पास पूरी लेंथ होती है ब्रिक वॉल की, जैसे आप मानो कि आपका ए पॉइंट यहाँ पे है और इस जगह से बी पॉइंट जो कि आपका 150 मीटर दूर है, यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, ब्रिक मेसनरी बनानी है। ठीक है, एक वॉल बनानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 150 मीटर की दीवार एक ही दिन में बना देगा मजदूर, नहीं है, वो बनाएगा कि भाई इतना पार्ट आज बना दिया, इसके ये वाला कल बना देंगे, इसको परसों बना देंगे, इसको नेक्स्ट डे बना देंगे, इस तरीके से बनेगा, टुकड़ों में ही बनता है। ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो जैसे आप ये माने कि ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसको मैंने आज बनाया और फिर इसको 10 12 घंटे के लिए छोड़ दिया और फिर कल यहाँ से काम मुझे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आज काम छोड़ा था उसमें कुछ स्पेशल टाइप के जॉइंट देने पड़ते हैं जिससे कि नेक्स्ट डे मैं उसको कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर सकूं और मेरे पास उसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं आपके पास या जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को समझ लो। एक तरीका होता है आपके पास रैकिंग बैक का और दूसरा आपके पास तरीका होता है टूथिंग का। ठीक है ना, रैकिंग बैक क्या होता है, रैकिंग बैक में आपकी जो हर एक कोर्स है, जो आपकी हर एक कोर्स है उसको क्या करते जाते हैं अपन, डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है ना, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया इसने, हर एक कोर्स को सेटिंग बैक कर दिया, मतलब बैक साइड में ले गया हर एक कोर्स को। आप देख सकते हो इस फिगर में आपके पास यहाँ से एक कोर्स है, यहाँ से इसकी अगली कोर्स को मैं बैक में ले गया, उसकी अगली कोर्स को और बैक में ले गया, मतलब हर सक्सेसिव कोर्स को ये कहाँ लेके जा रहा है, बैक में लेके जा रहा है, दैट मीन्स इसे बोलेंगे अपन रैकिंग बैक। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये तरीका है, इसमें क्या करते हैं अपन, इस तरीके से रखते हैं एक ब्रिक आगे देन पीछे वाली, एक ब्रिक आगे फिर उसके नीचे वाली कोर्स में पीछे, इस तरीके से क्या होता है आपका प्रोसेस होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा, टूथ दिख रहे होंगे, दांत टाइप के दिख रहे होंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टूथिंग। इसका फायदा ये होता है कि कल हम जो वॉल इसके आगे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसमें जॉइंट की एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, बेटर रहती है, एफिशिएंसी पे खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो क्या किया इसने, हर एक कोर्स को बैक में किया और यहाँ पे क्या किया इसने, अल्टरनेट कोर्स को बैक किया। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें तो आपकी जो अल्टरनेट कोर्स थी उसको बैक साइड में लेके गया, एक को छोड़ के एक को, और यहाँ पे इसने हर कोर्स को, ईच कोर्स इज सेटिंग बैक। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को अपन रैकिंग बैक बोलेंगे। क्वेश्चन 44 अगर आप देखें तो इसमें आपसे बोला गया था कि यहाँ पे हर एक सक्सेसिव कोर्स को इसने क्या किया, सेट बैक किया, पीछे साइड में ले गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रैकिंग बैक। क्लियर है ना, अगर आपके पास आपकी जो अल्टरनेट कोर्स होती वो बैक में होती तो इसे बोलते हैं अपन टूथिंग। ठीक है ना, ये याद रखना, ये दो चार टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरली अभी तक कम पूछे गए हैं और जो चीज कम पूछी जाती है उसके निकट भविष्य में आने के चांस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोला गया है द ब्रिक लेंथ एल, विड्थ बी एंड थिकनेस ऑफ मोर्टार टी इन ब्रिक मेसनरी आर रिलेटेड टू ईच बाय रिलेशन। तो आपके पास एक ब्रिक है जिसकी लेंथ है आपके पास क्या, कैपिटल एल, उसकी विड्थ है आपके पास कैपिटल बी, और जो मोर्टार है उसकी थिकनेस है आपके पास कितना,
स्मॉल टी, उसकी थिकनेस है आपके पास स्मॉल टी, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ब्रिक होती है, अगर मैं बोलूँ विदाउट मोर्टार है तो वो हो गया आपके पास 19 × 9 × 9, अगर मैं मोर्टार कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज 20 × 10 × 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप देखें तो ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है विड्थ, ठीक है ना। इसमें अगर देखूँ तो ये होती है लेंथ, ये होती है इसकी विड्थ, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं, आपके पास ब्रिक थी क्या 19 × 9 × 9, ये आपके पास क्या थी ब्रिक थी, क्लियर है ना। अब इस ब्रिक की अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो ये है मेरे पास 19, इस विड्थ की सॉरी इस ब्रिक की अगर मैं विड्थ निकालना चाहूँ तो ये है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मेरे पास टी क्या होता है, टी है मेरे पास मोर्टार की थिकनेस, जो कि जनरली आपका 1 सेंटीमीटर प्रोवाइड कराया जाता है। आपके पास जो जॉइंट होता है मोर्टार का वो नॉर्मली एक ब्रिक के लिए 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मेरे पास टी की वैल्यू 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो रिलेशन क्या बनेगा इसका 2W+T, ठीक है। ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, बस ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि मैंने इसको मेरी मर्जी से डेराइव कर लिया। इसका कोई एक वो नहीं है कि भाई इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है कि इस तरीके से ये रिलेशन मेरे पास निकल के आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के इसको फॉर्म कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। आप अपनी मर्जी से इसको किसी और तरीके से फॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो आप, मैंने इस तरीके से कर लिया इसको, क्लियर है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जो आपके पास एक ब्रिक है, लाइक एक ब्रिक आपके पास ये रही, तो यहाँ पे बीच में जॉइंट लगाया जाएगा, ठीक है, वो कितना होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर का होगा। फिर अगली ब्रिक मेरी लगेगी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जॉइंट लगाया जाएगा, वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर का होगा, इसके बाद अगली ब्रिक लगेगी। तो ये जो जॉइंट है इस पे दोनों ब्रिक्स का हक है, मतलब आधा सेंटीमीटर इसको आधा सेंटीमीटर इसको, इसी तरीके से ये जो जॉइंट है उसमें आधा इसका आधा इसका, तो एक ब्रिक के लिए जॉइंट की जो थिकनेस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है जनरली केस में, और 1 सेंटीमीटर अपन लेके चलते हैं। तो हमेशा अगर आपके पास मोर्टार जॉइंट नहीं दे रखा तो उसको आप 1 सेंटीमीटर लेके चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46। ये आपने बॉन्ड वाले क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं जो ब्रिक मेसनरी की बॉन्ड होते हैं अलग अलग, उनके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखें, द टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज। तो देखो ये जो बॉन्ड है उनके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको हल्का सा इनका रिव्यू दे देता हूँ। आपके पास पहला होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, आपके पास पहला होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, और उसमें जो आपके हर एक कोर्स होती है उसमें स्ट्रेचर लगे होते हैं। यहाँ देख सकते हो आप स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इसी तरीके से इधर भी स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, मतलब हर एक कोर्स में आपके स्ट्रेचर लगे हुए होंगे, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर बॉन्ड। इसी तरीके से आपके पास हेडर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड में क्या होता है आपको जो फेस है उसमें मात्र हेडर दिखेंगे, मतलब कि हर एक कोर्स में आपका क्या लगा हुआ है, हेडर लगा हुआ है, क्लियर है। आगे देखिए फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में आपका हर एक कोर्स में, कोर्स मतलब ये सीधी लाइन है, एक फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है हर एक आपके कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर दोनों लगे हुए होते हैं, समझ में आ रही है बात। आपकी हर एक कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर दोनों लगे हुए होते हैं, और इनका सीक्वेंस यही होता है, पहले स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में आपकी एक लेयर स्ट्रेचर की होती है, एक लेयर आपकी ये स्ट्रेचर की रही, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है या कोर्स होती है वो आपकी हेडर की होती है, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोर्स आपकी स्ट्रेचर की होगी, फिर नेक्स्ट कोर्स आपकी हेडर की होगी, इस तरीके से रहता है, ठीक है। फिफ्थ आता है आपके पास डायगोनल बॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, या मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। आपके पास डायगोनल को छोड़ो एक टाइप के बॉन्ड होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं रैंकिंग बॉन्ड, जिन्हें अपन बोलते हैं रैंकिंग बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी ब्रिक लगी हुई है वो जर्नली हॉरिजेंटल से 0 डिग्री पे लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मेरी जो ब्रिक है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ के किसी और एंगल पे लगी हुई हो हॉरिजेंटल के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोला जाता है रैंकिंग बॉन्ड, ठीक है, याद रखना इस चीज को, आगे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो डायगोनल बॉन्ड है वो एक तरीके से रैंकिंग बॉन्ड का ही एक एग्जाम्पल है, और डायगोनल बॉन्ड में जो आपकी ब्रिक्स लगी हुई होती हैं वो डायगोनल के रेस्पेक्ट में लगी हुई होती हैं। यहाँ पे इनका जो एंगल होता है वो जनरली 45 होता है, ये आपकी 70 डिग्री पे भी हो सकती है, अलग तरीके का बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम्पल किसका होगा, रैंकिंग बॉन्ड का होगा, याद रखना, इसका क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 बार, ठीक है। अगर आपकी जो ब्रिक है वो 0 डिग्री पे ना होके एक तरीके से हॉरिजेंटल ना होके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा रखी है मैंने, तो वो रैंकिंग बॉन्ड में आएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके ये वाले, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या बोल रहा है।
टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। दैट मीन्स एक कोर्स आपकी हेडर की है, एक कोर्स आपकी स्ट्रेचर की है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा, मैंने अभी पढ़ा था, ये रहा आपके पास, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कंसिस्टिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। तो सेम टू सेम बात है, एक कोर्स हेडर की, एक कोर्स स्ट्रेचर की, ठीक है। कौन सा होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा। एक दो दो बार ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, सेम टू सेम क्वेश्चन। इन ये बॉन्ड हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स। तो आपके पास हेडर और स्ट्रेचर जो है हर एक कोर्स में लगी हुई है, या बोल सकते हो अल्टरनेट कोर्स में लगी हुई है प्रॉपरली, ठीक है ना। तो आपका कौन सा बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आपका सात सॉरी पांच बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश बॉन्ड के क्वेश्चन और भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बॉन्ड आपका, ठीक है ना। और बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछे ही ज्यादा जाते हैं ब्रिक में एक्चुअली, क्लियर है। तो ये आपका स्क्रीन शॉट ले लो या चाहे कैसे भी कर लो इसको, लेकिन इसको याद रखना, माइंड में रखना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 49 आप देखें। इन अ ब्रिक मेसनरी बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर आर अरेंज इन एवरी कोर्स, दिस टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड। तो देखो इंग्लिश में तो क्या था आपकी, एक कोर्स स्ट्रेचर की, एक कोर्स हेडर की थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोला इसने कि हेडर और स्ट्रेचर हर एक कोर्स में लगाए हुए हैं, एवरी कोर्स में लगाए हुए हैं, मतलब एक स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर। तो ये आपका सिस्टम होता है किसमें, अभी मैंने बताया था फ्लेमिश बॉन्ड में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज। तो इसको याद रखना कि आपको अगर जनरल बॉन्ड प्रोवाइड करवाना है, या आपसे ये बोले कि भाई मेरे पास जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं इनमें से जनरली कौन सा बॉन्ड अपन यूज करते हैं नॉर्मल वर्क के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना आपका इंग्लिश बॉन्ड यूज आता है, हमेशा आपका इंग्लिश बॉन्ड यूज आता है। आपने अगर ब्रिक मेसनरी होती देखी होगी ना अपने घर में, तो 99% चांस में वहां पे इंग्लिश बॉन्ड ही लगा हुआ होगा, देख लेना आप चाहे, ठीक है ना। इंग्लिश बॉन्ड ही आपका जनरली यूज किया जाता है और इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। और अगर मेरे पास कोई हैवी स्ट्रक्चर है, या आप बोल सकते हो हैवी लोड है, ठीक है, तो हैवी लोड के केस में हमेशा किस कौन सा बॉन्ड लगेगा आपका, इंग्लिश बॉन्ड ही लगेगा। दोनों इसके याद रखना, दोनों पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछा हुआ है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, और ये भी पूछा हुआ है कि हैवी लोड के केस में कौन सा बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, और जनरली आपका इंग्लिश बॉन्ड ही यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, क्लियर है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। फ्लेमिश बॉन्ड को सजावट के काम में यूज करते हैं, नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो अपने को गलत बताना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। इन इंग्लिश बॉन्ड वर्टिकल जॉइंट इन हेडर कोर्स कम ओवर ईच अदर एंड वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स आर ऑल्सो कम इन ईच अदर। तो यहाँ पे देख लो किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश बॉन्ड की। अपन इस फिगर पे आ जाते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो देखो इंग्लिश बॉन्ड ये रहा, इसमें आपका जो हेडर है, ठीक है, उसके जो वर्टिकल जॉइंट है लाइक ये वाले, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, एक लाइन में आ रहे हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये बात सही है। स्ट्रेचर में देखूं तो स्ट्रेचर के भी जो वर्टिकल बॉन्ड है वो एक लाइन में आ रहे हैं, ये आ रहे, ये भी बात सही है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखें। इन इंग्लिश बॉन्ड द हेडर कोर्स शुड स्टार्ट विद अ क्वीन क्लोजर, ये गलत है। आपकी जो हेडर कोर्स होती है उसमें पहले एक हेडर लगाते हैं, उसके बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं, ठीक है। पहले हेडर लगता है फिर क्वीन क्लोजर लगता है, उसको क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं करते, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। आगे भी देख लो सी ऑप्शन, जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, इन फ्लेमिश बॉन्ड द अल्टरनेट हेडर ऑफ ईच कोर्स आर सेंट्रली सपोर्टेड ओवर द स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो। तो फिगर में देखो अच्छे से समझ में आएगा, ये आपके पास फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड में आपकी क्या दिख रही है, ये हेडर दिख रही है, ठीक है ना। और जो हेडर है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो हेडर है ये नीचे वाले स्ट्रेचर के ऊपर क्या होगी, सेंट्रली रखी हुई होगी या सेंट्रली प्लेस होगी। तो आप देख सकते हो नीचे वाला ये पूरा के पूरा पोर्शन आपका स्ट्रेचर, और इस स्ट्रेचर के ऊपर सेंट्रली आपकी क्या रखी हुई है, हेडर रखी हुई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। डी ऑप्शन देखिए, इन फ्लेमिश बॉन्ड एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद अ हेडर एट द कॉर्नर। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे आपका ए सी और डी सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड में हमेशा जो एक हेडर कोर्स होती है वो हेडर से स्टार्ट होती है, उसके बाद क्वीन क्लोजर लगता है, क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। डायगोनल बॉन्ड इज अ पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन
इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड, रैंकिंग बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल बॉन्ड में आपकी जो ब्रिक होती है डायगोनल के अक्रॉस लगाई जाती है, और अगर एक भी या आपके पास ऐसा कोई केस बने जिसमें ब्रिक आपकी 0 या 90 डिग्री पे ना होके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो, तो वो हमेशा कौन में होगा, रैंकिंग बॉन्ड में होगा, ठीक है ना। तो आपकी ब्रिक अगर टेढ़ी मेढ़ी किसी एंगल पे लग रही है तो वो किस में है, रैंकिंग बॉन्ड में। और ये जो डायगोनल बॉन्ड होंगे आपके पास और टाइप के केस आएंगे, वो सबके किस, वो सब किसके एग्जाम्पल है, रैंकिंग बॉन्ड के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53। अब बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन सेम कोर्स इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला इसने कि जो आपके पास सेम कोर्स है, मतलब एक कोर्स है उसमें आपका अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर लगा हुआ है, दैट मीन्स पहले हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर एंड देन हेडर और फिर स्ट्रेचर। तो ये टाइप का अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा किसमें होता है, ये टाइप का अरेंजमेंट होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड में, ये टाइप का अरेंजमेंट होता है आपके पास फ्लेमिश में। फ्लेमिश दो टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल, आप सभी को पता होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 54। 54 में आपके पास फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो इसमें देख लो ना साफ साफ, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, मतलब अल्टरनेट आपके पास क्या लग रहे हैं, एक कोर्स में स्ट्रेचर हेडर लग रहे हैं, मतलब कौन सा बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, सिंपल, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर थिक वॉल है, मतलब कैसी है आपके पास, हाफ ब्रिक वॉल है, हाफ ब्रिक वॉल है, और हाफ ब्रिक वॉल के लिए कौन सा बॉन्ड होता है, हमेशा आपके पास स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये स्ट्रेचर है, तो स्ट्रेचर में जो आपके पास वॉल बनेगी वो कितनी होगी, इतनी ही होगी उसकी थिकनेस, मतलब 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 1 सेंटीमीटर का आपका मोर्टार का जॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास जो थिकनेस होगी वॉल की वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर मीन्स हाफ ब्रिक, और हाफ ब्रिक हमेशा किस में बनेगी, आपकी स्ट्रेचर बॉन्ड में बनेगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेचिंग बॉन्ड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, हेडर बॉन्ड इज यूजली यूज फॉर, ठीक है, हाफ ब्रिक वॉल, 1 ब्रिक वॉल, 2 ब्रिक वॉल और 1.5 ब्रिक वॉल। तो देखो हेडर बॉन्ड में क्या होता है, आपको हेडर दिखाई देते हैं, हेडर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वॉल है वो इस तरीके से बन रही है, जो आपकी वॉल है वो इस तरीके से बन रही है, मतलब मैं आपको एक तरीके से टॉप व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या है, हेडर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको सबके हेडर दिखाई देंगे, आपको सबके हेडर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इस ब्रिक में अगर मैं थिकनेस निकालना चाहूँ, या इस वॉल की अगर मैं थिकनेस निकालना चाहूँ, तो ये क्या होगी आपके पास, ब्रिक की लेंथ के बराबर होगी, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर का मोर्टार, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर की वॉल इससे बनेगी। 20 सेंटीमीटर मीन्स 1 ब्रिक वॉल, 20 सेंटीमीटर मीन्स 1 ब्रिक वॉल। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रिक आपके पास यूज आ रही है थिकनेस में, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, 1 ब्रिक वॉल बोलेंगे। तो हेडर बॉन्ड जो होता है आपके पास किस में यूज आता है, 1 ब्रिक वॉल बनाने के लिए यूज आता है, और हाफ ब्रिक में कौन सा आता है, स्ट्रेचर बॉन्ड यूज आता है, याद रखना है इनको, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखें आप लोग, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज। तो आप सभी को पता है अगर आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज लिया जा रहा है, अगर आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज लिया जा रहा है, तो वहां पे जो ब्रिक की थिकनेस होती है आपके पास वो क्या होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, वो आपकी 1.5 होनी चाहिए, मतलब डेड ब्रिक, एक आपका हेडर और सामने आपका इस तरीके से, क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपका, द टाइप ऑफ ब्रिक मेसनरी बॉन्ड प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोड। तो आपका अगर हैवी लोड आ रहा है मेजनरी पे, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब आपको बॉन्ड बताए थे मैंने, कि हमेशा हैवी लोड के केस में किसको यूज लेते हैं, इंग्लिश बॉन्ड को यूज लेते हैं। क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देख लो 3 बार पूछा हुआ है, 1, 2, 3, और अब भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 58 जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं इसके बाद अपन। 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द टाइप ऑफ ब्रिक मेसनरी बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसने बोला कि जो मेरे पास एवरी कोर्स है, मतलब हर कोर्स में आपके पास क्या है, हेडर भी है और स्ट्रेचर भी है। तो ऐसा तो एक ही केस में पॉसिबल है जहां पे आपके पास एक ही कोर्स में हेडर भी हो और स्ट्रेचर भी हो, ठीक है ना। वो किसमें होता है आपका, फ्लेमिश बॉन्ड में होता है, वो किसमें होता है आपका, फ्लेमिश बॉन्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास,
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 60 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। तो ये आपके पास फिगर है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास फिगर में दिख रहा होगा आपको साफ साफ। एक कोर्स की अगर मैं बात करूँ, एक कोर्स ले लो यहाँ पे, तो इसमें आपका स्ट्रेचर, फिर एडर, फिर स्ट्रेचर, फिर एडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, दैट मीन्स एक ही कोर्स में आपके पास अल्टरनेटिवली स्ट्रेचर और हेडर आ रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सी बात है, ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड का एग्जाम्पल है। फ्लेमिश बॉन्ड में ही हर एक कोर्स में आपका स्ट्रेचर और हेडर होता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इंग्लिश बॉन्ड यूज इन ब्रिक इज, तो अगर आप ब्रिक्स में इंग्लिश बॉन्ड को यूज ले रहे हैं तो वो क्या होगा आपका? ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में आपका कौन सा केस होगा? ठीक है, दूसरा देख, पहला ऑप्शन देखें आप, वेरी क्लीन, तो ऑब्वियस ही बात है जो इंग्लिश बॉन्ड होता है आपका क्लीन होता है। दूसरा देखें आप, कॉस्टली, कॉस्टली नहीं होता। इसके अलावा जो और बॉन्ड होते हैं लाइक फ्लेमिश बॉन्ड वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। थर्ड देखें इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल होता है आपके पास ये, क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्रिक का क्लोजर बनता है वो आपका वेस्ट नहीं जाता, इसमें ब्रिक की जो आपकी वेस्टेज होती है इंग्लिश बॉन्ड में वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो ये आपका इकोनॉमिकल होता है, कॉस्टली नहीं होता। डी है आपके पास चीप एज वेल एज कॉस्टली, मतलब एक तरीके से मीडियम रेंज के बारे में बता दिया, तो ये ठीक है, मीडियम रेंज का होता है। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 देखें आप, इंग्लिश बॉन्ड यूज इन ब्रिक इज, तो देखो अगर मैं इंग्लिश बॉन्ड ब्रिक में यूज कर रहा हूँ तो वो कैसा होगा मेरा? तो आप सभी को ये बात पता है कि जो इंग्लिश बॉन्ड होता है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको, जनरली इसी को यूज करते हैं अपन। ठीक है ना, तो इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो और बॉन्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है आपका वो और बॉन्ड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। क्लियर है ना, याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपका। 62 है आपका कि स्ट्रेचर बॉन्ड इज प्रोवाइडेड ओनली इन, तो आपको बताया था स्ट्रेचर बॉन्ड अगर आपके पास बन रहा है तो किसके केस में बन रहा होगा? हाफ ब्रिक वॉल के केस में ही बन रहा होगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाफ ब्रिक वॉल। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज, तो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डबल फ्लेमिश सॉरी इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरिजन में जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं चारों को। पहला है आपके पास स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, तो देखो ये तो गलत है साफ साफ, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दूसरा देखिए मोर कॉम्पैक्ट, ये हो सकता है, देखते हैं इसके बारे में सोचते हैं। सी है आपके पास कॉस्टली, ठीक है, तो इसके बारे में अपन नहीं कह सकते, कॉस्टली हो सकता है नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता एग्जैक्टली। ठीक है, नन ऑफ दीज के बारे में आप नहीं सोच सकते। पहला केस जो है स्ट्रॉन्गर, तो इंग्लिश बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है आपका जनरली ऑर्नामेंटल यूज के लिए यूज किया जाता है। कॉस्टली आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो सकता है क्योंकि इसमें वेस्टेज होती है आपकी, काफी ज्यादा होती है। कॉम्पैक्ट आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है, तो आपका सी ऑप्शन मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, थोड़ा करेक्ट लग रहा है, मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ। 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसके आंसर को लेके मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखें आप, इन ब्रिक मेजनरी, ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड पे रख दो या आप थोड़ा देख लेना इस क्वेश्चन को, मैं क्योंकि इसमें श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 65 देखें, इन ब्रिक मेजनरी, तो देखो ब्रिक मेजनरी में आपकी दो चीज यूज आई, एक आपके पास ब्रिक यूज आई और दूसरा आपके पास मोर्टार यूज आया, दूसरा आपके पास मोर्टार यूज है। अब आपको सबको पता है कि जो मोर्टार का काम है वो क्या होता है? मोर्टार का काम होता है कि ब्रिक को आपस में बांध के रखना, ब्रिक को आपस में क्या करना, बांध के रखना। और ब्रिक अगर बंधी रहेंगी आपस में एक जगह पे रखी रहेंगी तो वो लोड को आसानी से ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन आती है कि अगर ब्रिक को जो जॉइंट लग रहा है, जैसे मेरे पास ये ब्रिक है 20 सेंटीमीटर के, इसके बीच में एक 1 सेंटीमीटर का बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, मोर्टार का, फिर मेरे पास ब्रिक आ गई, तो थोड़ा बहुत लोड तो इस बॉन्ड पे भी आएगा ना, थोड़ा बहुत जो लोड है इस मोर्टार पे भी आएगा, तो मोर्टार भी कैसा होना चाहिए मेरे पास? कम से कम अच्छी स्ट्रेंथ का होना चाहिए, मतलब जो मोर्टार है मेरे पास उसकी स्ट्रेंथ ब्रिक से कम तो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो मेरी ब्रिक
से पहले क्या हो जाएगा, मोर्टार टूट जाएगा, और अगर मोर्टार टूट गया तो ब्रिक अपनी जगह से हट जाएगी और मेरी जो मेजनरी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मेरे पास जो मोर्टार है उसकी स्ट्रेंथ ब्रिक के स्ट्रेंथ से कम तो हो ही नहीं सकती, बराबर हो सकती है। ठीक है, अगर मैंने इसकी स्ट्रेंथ को ब्रिक की स्ट्रेंथ से ज्यादा रखा, अगर मैंने मोर्टार की स्ट्रेंथ को ब्रिक की स्ट्रेंथ से ज्यादा रखा तो मेरे पास क्या हो गया, फालतू में खर्चा हो गया। क्योंकि अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा दैट मीन्स मुझे सीमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इसकी सीमेंट अगर मैंने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो भाई ये तो वैसे भी 1 सेंटीमीटर का ही है ना, ठीक है, इस पर तो बहुत कम लोड आ रहा होगा। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम लोड लेना तो नहीं है, इसका मेन काम क्या है, ब्रिक्स को बांधे हुए रखना। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास इकोनॉमिकल नहीं रहेगा केस। तो मेरे पास जो मोर्टार होता है उसकी स्ट्रेंथ लगभग ब्रिक की स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए, वो केस कैसा होता है मेरे पास, बेस्ट रहता है। ठीक है ना, अगर कम होगी तो उस केस में मोर्टार फेल हो जाएगा, वो मेरे लिए हैजार्डियस है। ठीक है ना, तो आपके पास जो ब्रिक मेजनरी होती है उसमें मोर्टार की स्ट्रेंथ जो होती है वो ब्रिक स्ट्रेंथ के लगभग बराबर होनी चाहिए, मतलब आपस में मैच होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दे रखा है, अ ब्रिक मेजनरी कुड फेल ड्यू टू, तो ब्रिक मेजनरी आपकी फेल किस किस वजह से हो सकती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड जॉइंट। तो अगर आपके पास जो जॉइंट है मोर्टार के वो पुअरली बॉन्ड है, मतलब हल्के हैं, मोर्टार की स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका जो वर्टिकल जॉइंट है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, उसका रप्चर हो सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखिए, शियरिंग अलोंग द हॉरिजेंटल प्लेन, लाइक आपके पास ये आपकी एक कोर्स है, एक ये जॉइंट रहा, एक आपकी ये कोर्स है, ये जॉइंट रहा, तो आपके पास कोई भी कोर्स क्या कर सकती है, इधर आपकी शियर कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। किस वजह से, अगर आपका हॉरिजेंटल जो जॉइंट है या आपका जो बेड जॉइंट है वो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ये भी एक क्या हो सकता है, फेलियर का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट है। थर्ड देखिए, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपके पास जो लोड आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया तो ब्रिक और मोर्टार जो होगा उसको संभाल नहीं पाएगा, उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा चला जाएगा, तो आपकी जो ब्रिक है और जो मोर्टार है वो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, टूट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक तरीके का फेलियर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई ब्रिक मेजनरी जो है मेरी इन तीनों में से किसी एक में भी फेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 67 आपको बोला हुआ है, व्हाट इज द इफेक्टिव हाइट ऑफ फ्री स्टैंडिंग मेजनरी वॉल फॉर द पर्पज फॉर कंप्यूटिंग स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए अगर मैं इसकी इफेक्टिव हाइट निकालना चाहूँ, किसकी, मेरी फ्री स्टैंडिंग मेजनरी वॉल की, तो आपने कॉलम पढ़े होंगे, ठीक है ना, लाइक अपने पास जो मेजनरी वॉल है वो नीचे से क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन ऊपर से क्या होती है, फ्री होती है। यहाँ पे बोला ना फ्री स्टैंडिंग मेजनरी वॉल, तो अगर आपका ऐसा केस देखूं मैं जिसमें कॉलम नीचे से फिक्स हो ऊपर से फ्री हो, तो वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी आती थी इसकी, 2L आती थी ना, याद होगी किसी को, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी इसकी, 2L ही हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी एक तरीके से इसकी लेंथ या इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, 2L हो जाएगी। क्लियर ना, आंसर याद रखना इसका। 68 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, अ मेजनरी हैज हाइट h, यहाँ पे हाइट है इसकी h, लेंथ l, कैपिटल l, एंड थिकनेस t, ये थिकनेस है, देन द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो बेस्ड ऑन अलाउएबल स्ट्रेस इज। तो आपसे पूछा है कि जो अलाउएबल स्ट्रेस होती है उसके बिहाफ पे जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है किसका, मेजनरी वॉल का, वो क्या होता है आपके पास। ठीक है ना, तो देखो याद रखना, जो आपके मेजनरी कोड है उसके अकॉर्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है एल बाई टी और एच बाई टी, इनमें से जो भी मिनिमम हो, इनमें से आपका जो भी मिनिमम हो, ठीक है ना, मिनिमम ऑफ एल बाई टी और एच बाई टी। क्लियर, तो ये याद रखना, ये आपका कोडल प्रोविजन है, ये कोड में दिया हुआ है आपको, ठीक, और ये जो कंडीशन होती है ये भी आपकी कोडल प्रोविजन है, कोड में दी हुई है, तो आपको यही याद रखनी पड़ेगी। क्लियर तो ये आपके पास हो गया, आपका लगभग आधा घंटा हो चुका है इस वीडियो का, तो इसको बंद करते हैं, और बचा हुआ जो अपना पोर्शन है थर्ड पोर्शन या थर्ड पार्ट उसको अपन कवर करेंगे इसके बाद। क्लियर है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, हैविंग अ गुड डे।